कहा जापा कर रखी है मैं और नहीं आज भी गाल से मैं कोई एकदम बीचों बीच मतलब वैसे मान लो कि जो डाई लगेगा चप्पल फेंक के करते हो या कैसे करते हो चप्पल फेंक के करते हो जिसकी उल्टी गिरती है वो डाई लेके आता है सबकी सुई हो जाती है तो दोबारे से करते हो तो पहले चप्पल फेंकते हैं और जिसमें जिसकी उल्टी चप्पल गिर जाती है वो डाई लेके आता है ये इतना बड़ा एरिया उसको गेंद सामने चले जाते हैं इस तरह से गेंद मार मार के मतलब बहुत बड़ा एरिया उसको बोलते हैं पिदाना बहुत पिदायो। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कैसे हो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे आप सभी को सर्वप्रथम मेरी ओर से राम राम न्यून प्रणाम मांजोसा आप सभी को एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों आप सबको पता है कि होली का त्योहार चल रहा है तो सर्वप्रथम अग्रिम बधाई आपको मैं देना चाहता हूँ होली की और आज मैं कहाँ हूँ आप देख सकते हो मैं चारों तरफ बंजर चारों तरफ इस प्रकार का मैदान दिखाई देगा क्योंकि ग्रामीण जीवन है और जो गांव में रहते हैं उनको तो पता है ये गांव के पास पास के जो वीरानी खेत है हम खेत में है और मेरे साथ में एक ही नहीं हूँ मेरे साथ अनेक बच्चे है वो भी यहाँ पे है मैं आज यहाँ पे आ गया होली के त्योहार पर हम खेलते हैं गुत्ता दड़ी और जो मार दड़ी काफी गेम होते हैं जो गांव में मैंने तो बचपन में ज्यादा तो नहीं खेले लेकिन खेले हैं लेकिन बच्चे हमेशा के लिए खेलते हैं इनसे जानेंगे कि कौन से ये गेम खेलते हैं और इन गेमों के क्या कानून होते हैं क्या क्या नियम होते हैं क्योंकि हर गेम के पीछे कुछ न कुछ तो नियम होता ही है तो आज ये बच्चे खेल रहे थे गुत्ता दड़ी तो मैं भी आ गया इनके साथ में गुत्ता दड़ी खेलने के लिए इस गुत्ता दड़ी नामक गेम के पीछे का क्या रीजन है क्या इसके नियम है क्या कानून है सब इन बच्चों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कैमरामैन भैया से कहूंगा एक बार पीछे पीछे आ जाइए भाई साहब कौन बताएगा इस गुत्ता दड़ी ने इसके नेम कौन बताएगा आप में से जो भाई साहब खेल रहे हो आप सभी आ जाओ एक बार मेरे पास आ जाओ तो अब मैंने जैसे करके इनको इकट्ठा किया है भाग रहे हैं कैमरा सामने से बोलने से मतलब घबरा रहे हैं पता नहीं क्या है लेकिन मैं इनके पूछूंगा कि ये गुत्ता दड़ी नामक एक गेम है ये खेल रहे हैं मैंने पूछा कौन सा गेम खेल रहे हैं कि गुत्ता दड़ी तो गुत्ता दड़ी में क्या नियम है क्या कायदे है वो मैं आपको जानने का प्रयास करूंगा आपके साथ में शेयर करूंगा आप कंटिन्यू बने रहें और जमकर शेयर ठोक दे जमकर शेयर करो ये होली का त्योहार का गेम है तो जम के शेयर कर दो आप तो सर्वप्रथम भाई साहब आपका नाम बताओ विष्णु अपना अपना नाम बताओ आपका क्या नाम निर्मल निर्मल अच्छा आपका भाई साहब आगे आ जाए यार साहिल अच्छा आप ये गेम खेल रहे हो इस गेम का नाम क्या है सही गुत्ता दड़ी और इसके नियम क्या होते हैं मतलब कैसे खेलते हैं कैसे आउट होते हैं क्या क्या है इसमें क्या होता है शरीर टच लगती है बॉल लगती है मार वाली बताओ पहल पत्र अमर छाड़ कर आवे अच्छा बीचों बीच टोरा मारे खेल शुरू है मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊं जैसे टूर्नामेंट होता है ना क्रिकेट उसमें टॉस होता है ना उसको ये बोलते हैं अमर छाड़ मतलब बीचों बीच मतलब वैसे मान लो कि जो डाई लगेगा चप्पल फेंक के करते हो या कैसे करते हो चप्पल फेंक के करते हो जिसकी उल्टी गिरती है वो डाई लेके आता है सबकी सुई हो जाती है तो दोबारे से करते हो तो पहले चप्पल फेंकते हैं और जिसमें जिसकी उल्टी चप्पल गिर जाती है वो डाई लेके आता है ये इतना बड़ा एरिया उसको गेंद सामने चले जाते हैं इस तरह से गेंद मार मार के मतलब बहुत बड़ा एरिया उसको बोलते हैं पिदाना बहुत पिदायो मैंने खेल लिया है दोस्तों मैं थाने बता सकूं अच्छी तरह बागड़ी भाषा में बता सकूं गबी ने बताया कि मैं आज इन बहुत पिदायो वास्तव मजा आज है अगर कोई बंदो एक जलजे और सारा टोराड़ा हुआ है तो फिर ठंडा है एकदम सिल्ट पड़ जाएगी इस प्रकार को भी वो गेम है इनका मैं हत्या भी हुआ है मतलब दड़ी शरीर के टच को नहीं है अगर बंदो फेंके दड़ी शरीर के टच हो जावे तो वो आउट मारे जावे इस प्रकार को गुत्ता दड़ी गेम है और गांव के टावरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध गेम है दोस्तों थे भी खेल उड़ा हो तो कमेंट कर जरूर बताइयो आपनी हिंदी भाषा में चलता चलता आप बागड़ी भाषा में आ गए क्योंकि आप राजस्थानी हैं ये वास्ते हिंदी थोड़ी देर बोल सका लेकिन बागड़ी भाषा अपनी मातृभाषा छोड़ भी नहीं सका ये वास्ते मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा में बनाए हुआ है ये वास्ते मैं हिंदी भाषा को यूज करते करते लास्ट में बागड़ी में आ चुके हूँ और बागड़ी भाषा में बोलने का मजो भी कुछ अलग ही आवा है तो थे भी खेल उड़ा हो या कौन ही खेल उड़ा गुत्ता दड़ी नामक काम गेम तो बहुत मजा वाला थे कमेंट कर दो दबके शेयर कर दो और अब आप भी खेला लांगे सागर बहुत बहुत आभार।
अमृतसर बल के इंग बीच में थे तेरे ऊपर अमृतसर तू तोर मारे ना तू तोर मारे इस बीच में इसकी देड़ी होगी कद मैं बीच में हूं मेरे ऊपर अमृतसर हो रही है पहली बात तो दोस्तों अभी हूँ गुता देड़ियां के साथ खेल रहे हूँ और अब थाने बता दूं अमरछाल जगह आधे टाबर बताओ कि अमरछाल है ऐसी तो वो अमरछाल है वो दड़ी जो को डाई ले गया जको बंदू दड़ी फेंकी और जके बंदे के ने दड़ी रही वो टोरो मारी और वो टोरो सही बीच गयो वो डाई आड़ो लेके आए तो अभी थे देखते रहो के करा ज्यादा मन भी समझो कोई नहीं क्यों खेल कम हूँ बहुत टाइम हो गयो अब थे देखते रहो तो दोस्तों गुस्तो छोड़ जा भी कौन सुबह मेरे कन्ने पर बहुत ज्यादा डर लागे है के भाई साहब अच्छे जापा कर अच्छा हवा कौन जापा करो तो दोस्तों थाना आप भी बता सकूं थोड़ा नजदीक लिए तो दोस्तों अभी दड़ी है जबकि मेरू ज्यादा दूरी है मैं तो ये वास्ते मैं हत्या भी कर कौन सकू अगर मारे दोनों में टच हो है हाथ और बल्लो टच हो तो है तो मैं भी सब छूट जाऊं भाई मेरी हत्या होगी ठीक है ज्यादा नजदीक हूँ अभी बीज गो मेरे आसानी ठोक सके जबक नजदीक हूँ ये वास्ते एक मैं झापा भी कर सकू दड़ी ने तोरो मार गए दूर भी कर सकूं फेंक के लेकिन वो गुत्तो नहीं छोड़ सकूं अगर वो गुत्तो में छोड़ दूं मेरे बनाई है तो वो डाई वाले गुत्तो में आगे खड़े रह जाए तो मेरे में डाई आ जाए तो आप देखा झापा कर रखी है मैं और डाई आज भी गाल सकूं मैं तो दोस्तों जो को मेरे कहने हथियार हो एक वो हथियार भी मैं फेंक दिया अभी मेरा हाथ में लून मिर्च आता अभी मैंने केवल बच सुनो है लून मिर्च आता मैं इतनी दूर दी अब मैं लून मिर्च बड़ा है इतनी इतना कूड़ी ताई गोटा ताई मेरे पका ताई बच जाओ दोस्तों बच जाओ दोस्तों उन दिलाई तू मार मार तो दोस्तों थे अभी देखियो ओ गेम गुत्ता दड़ी ई नियम रा गेम रा नियम भी कलड़ा बहुत है लेकिन जगह रात दिन खेल ले बाप टावरान पतो हुए कि ये है कि कुछ नहीं है लेकिन ये गुत्ता देड़ी ने मैं पूरी तरह धर न समझा पाया हूँ बहुत ही कड़ा नेम है क्योंकि मैं बहुत पहला खेलो अभी यहाँ बहुत टाइम हो गया गेम छोड़ दें तो मैं भी इनका कानून नेम पूरा भूल गयो और आप बच्चा पूछ पूछ के थाने बताओ तो पूरी तरह एक्सप्लोर कौन कर पाए लेकिन बहुत ही मजा आवे ये गेम खेलने में तो होली पर वो गेम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है होली पहला अडबली गुत्ता देड़ी बहुत ज्यादा खेली जावे तो यही मिलता रहे जो बहुत बहुत धन्यवाद राम राम न्यून पर नाम मान जो सा।